होजरी के कपड़े सीने के लिए खास प्रकार के धागे की जरूरत होती है जिसको थ्रेड कहा जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे व्यवसाय की जानकारी दे रहे हैं जो कि कम लागत में तो नहीं शुरू होता, लेकिन अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए की ठीक पूंजी है तो आप इस कारोबार को शुरू करके और ठीक ठाक मार्केट में अपनी बढ़त बना सकते हैं। तो आइए बस शुरू करते हैं इस वीडियो में। हम बताते हैं आपको कि ये व्यवसाय कितने स्टेप से शुरू होता है, फिर वैसे ही कि कितनी लागत से शुरू होता है, कितनी जगह की जरूरत होती है, कितने कारीगरों की जरूरत होती है और मार्केट में इसकी क्या डिमांड है। तो ये देखिए इस तरह की ये जो रीले है ये बनी हुई रखी है, ये जो वाइंडिंग मशीन से इनको भरा हुआ है। और ये देखिए ये वाइंडर है, वाइंडर कहलाती है, ये वाइंडिंग मशीन है। और यहाँ पर जो तीन तीन या चार चार किलो की वेटेड रील है उनको जो है छोटी रीलों में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सारी रील्स जो है वो फोन पर चढ़ी हुई है और इसमें धागा लगातार आप देख सकते हैं जैसा कि कैमरे के नजर से कि इसमें लगातार धागा जो है वो भरा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस कंपनी के मालिक। सर आपका नाम क्या है? चंद प्रकाश भूरे। क्या आप ये काम जो है वो कितने साल से कर रहे हैं? ये 12-13 साल से। जब आपने ये काम शुरू करा था तो इस काम को शुरू करने के लिए कितनी लागत लगती है? लागत इसमें शुरुआत में आज जो है वही 1.5 लाख रुपए लगाते हैं शुरुआत में मशीन खरीदने। ये 100-150 गज में तो आराम से काम शुरू किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए जो है किस प्रकार के मीटर वगैरह बिजली वगैरह की जरूरत होती है? क्या मीटर क्या जो बिजली है वो क्या? मीटर तो पावर वाले लगाए जाते हैं। क्या मटेरियल है ये, आप कहाँ से मंगाते हैं? ये लुधियाने से। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद वहाँ बड़े बड़े कोन आते हैं, वहाँ से वो एंटर करके इसको छोटे कोन में 300 ग्राम 400 ग्राम ऐसे बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग हो गई है और ये जो वाइंडिंग करने के बाद में जो रील है, थ्रेड रील है जो होजरी सीने के काम आती है, ये मार्केट में सप्लाई के लिए अब तैयार है। तो महीने में कितनी बचत हो जाती है? तो 30-40 हजार हो जाती है। 30-40 हजार रुपए, मतलब 6 मशीनें आपने लगा रखी हैं। और कितने कारीगर हैं यहाँ? कारीगर 4 हैं। तो आपने जैसा कि देखा ये थ्रेड वाइंडिंग का काम है, तो आप इसे एक मशीन से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक मशीन से शुरू करेंगे तो ये लुधियाना में मशीन आती है, उसको थ्रेड वाइंडर कहते हैं, जैसा कि आपने देखा कि ये थ्रेड वाइंडर है। और अगर आप इसको एक मशीन से शुरू करते हैं तो इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। लुधियाना में ये मशीन मिलती है, इसका रॉ मटेरियल भी गुजरात से लुधियाना से आता है। अगर आप इसको बड़े स्केल पे करते हैं जैसे कि इन्होंने लगा रखा है, ये प्लांट कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का है। अगर इस तरीके से शुरू करते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए की पूंजी में तैयार हो जाता है। एक 50 गज की जगह चाहिए होती है, 3-4 कारीगर और आपका काम शुरू। आप देख सकते हैं कि ये तैयार फिनिश जो है वो रखी हुई है, पैक है और ये जाने को तैयार है। और बस इसको मशीन पर चढ़ना है और होजरी और अंडरगार्मेंट्स वगैरह के क्लोथ सीने के काम में आना है। तो जैसा कि आपने आज की हमारी वीडियो में देखा, थ्रेड बाइंडिंग का काम जो कि 1.5 से 2 लाख रुपए की पूंजी में भी शुरू हो सकता है और 8 से 10 लाख रुपए की पूंजी में भी। दरअसल 1.5 से 2 लाख और 8 से 10 लाख इसलिए कि जैसे जैसे आप मशीनों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी पूंजी बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जब महीने में जो बचत है वो मशीनों की संख्या पर निर्भर करेगी। अगर एक मशीन से आप काम शुरू करते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए आप महीने में बचा सकते हैं। और ये थ्रेड वाइंडिंग का काम है और इसकी मार्केट में लगातार डिमांड इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ये होजरी और अंडरगार्मेंट सीने के काम में आता है। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।